क्यों खेसारी लाल यादव को ये लग रहा है कि बिग बॉस के घर में आने के बाद वो फंस गए हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक खेसारी लाल यादव के कुछ वीडियोस अगर देखे, आप अगर बिग बॉस नहीं देख पा रहे हैं तो इसे वूट ऐप पे जाकर देख सकते हैं। तो आपको बता दें, अगर अभी तक आपने खेसारी लाल यादव का वो मासूम चेहरा नहीं देखा जहां पर जब घर के सभी लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तब खेसारी लाल यादव को ये लगता है कि वो कहां आके फंस गए हैं। जी हाँ, कुछ यही हाल जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं तब भी घर के सदस्य बुरी तरह से आपस में लड़ते हैं, तब भी खेसारी लाल यादव खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई मैं कहाँ आके फंस गया, इससे अच्छी तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ही थी जहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी लेकिन ऐसी नहीं होती थी जैसे कि बिग बॉस के घर में हो रही है। साथ ही साथ अभी तक खेसारी लाल यादव का वहाँ कोई एक ऐसा दोस्त नहीं बना है जिससे वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके और इसलिए भी शायद खेसारी लाल यादव का चेहरा काफी मायूस हो जाता है। कभी कभी तो खेसारी का चेहरा देखकर ये लगता है कि वो ये सोचने लगते हैं कि कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ जहाँ सब सिर्फ लड़ाई और झगड़े और टास्क में अच्छा परफॉर्म करने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भले ही खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर में है लेकिन उनकी प्यारी जनता उन्हें बहुत प्यार दे रही है। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष YouTube पर धमाल मचाए हुए है। 2 दिन के अंदर इस फिल्म ने 10 मिलियन व्यू यानी कि 2 दिन में इसे तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने देख लिया है। ये किसी भी भोजपुरी फिल्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले क्रैक फाइटर और मैंने उनको सजन चुनलिया ने भी ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और तो और खेसारी के एल्बमों को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिग बॉस के घर में खेसारी कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।